बन गया है इस बार के चुनाव में कांग्रेस को जिस तरीके से नतीजे मिले हैं तो उसको लगता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक चल रहा है आज राहुल गांधी बहुत ज़ोर शोर से एक बात लगातार कहते रहे कि मैं जातिगत जनगणना करवा करके रहूँगा रहूँगा इसको आप कैसे देखते हैं क्योंकि यह उनके लिए एक्सपेरिमेंट है मुझे लगता है कि और उनकी जो कामयाबी है उसको बुनियाद मानते हैं कि हाँ ठीक चल रहा है देखिए जातिगत जनगणना की चर्चा उन्होंने कोई आज से प्रारंभ नहीं किया इस विषय पर लगातार पिछले चार पांच साल से वो बोल रहे हैं और पिछले पांच साल में आए हुए चुनाव के नतीजे सारे चुनाव विधानसभाओं के चुनाव और वर्तमान में लोकसभा का चुनाव आप नतीजे उठा करके देख लीजिएगा कि देश की जनता ने इस विषय को कितना एंडोर्स किया है माइक्रो लेवल पर जाकर के पिछले चुनाव की लोकसभा चुनाव की भी समीक्षा कर लीजिए आपको जहाँ विषय संज्ञान में आ जाएगा कि ये जो जातिगत जनगणना का विषय है इसने कितने वोटर्स को जो है मोटिवेट किया है विपक्ष को जो वोट मिले हैं उनमें से इसलिए केवल मात्र ये कह देना सनसनी पैदा करने के लिए कह देना ये कांग्रेस के स्वभाव का हिस्सा है फिर मैं कहूँगा देखिए कांग्रेस ने पहले आजादी के समय में देश को मजहब के आधार पर बांटा फिर भाषा और बोली के आधार पर बांटा फिर अरिम अमीर और गमी गरीब के नाम पर बांटा फिर ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा फिर अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा अब बांटते बांटते अब जातियों के नाम पर बांट रहे हैं और आप देखिएगा कि कुछ वर्ष बाद में अगली पीढ़ी जब आएगी नेहरू परिवार की गांधी परिवार की और भगवान करे आए वो आएगी तब वो निश्चित रूप से जो है वो उपजातियों के आधार पर बांटने की चर्चा करते हुए दिखाएंगे दिखाई देंगे क्योंकि बांटना उनकी फितरत का हिस्सा बन गया है वो सवाल लेकिन उल्टा आप पर उठाते हैं और ये कहते हैं कि दरअसल जिसकी हिस्सेदारी पचासी परसेंट की है उसको उतनी भागीदारी नहीं है और वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव तैयार कर रहे हैं उस नेटिव को कहीं एक ताकत मिल रही है इसलिए वो ज्यादा जोर डाल रहे हैं इस पर देखिए गरीब जिसकी हिस्सेदारी की वो चर्चा करते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हमारा वनवासी हमारा आदिवासी हमारा पिछड़े वर्ग का लोग हमारे माइनॉरिटी के लोग जिनकी चर्चा वो करते हैं और जिसको वो पिचासी प्रतिशत सेगमेंट की बात कहते हैं मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ और आपके दर्शकों से उत्तर उसका उत्तर मिलेगा देश में पचपन साल तक राहुल गांधी जी के परिवार की पार्टी का शासन रहा प्रत्यक्ष रूप से भी रहा अप्रत्यक्ष रूप से भी कभी वो सीधे कलम से चला रहे थे कभी रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे उसको छोड़ दीजिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी देश में चार करोड़ लोगों के पास में घर में बिजली नहीं थी इक्कीसवीं शताब्दी में वो गरीब लोग थे या कोई और लोग थे ग्यारह करोड़ लोगों के पास में देश में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी वो कौन लोग थे वो गरीब लोग थे देश में 16 करोड़ परिवारों के पास में पीने का पानी नल के माध्यम से नहीं आता था वो कौन लोग थे वो गरीब थे देश में 12 करोड़ के आसपास ऐसे परिवार थे जिनके पास में सेफ कुकिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं था गैस का चूल्हा नहीं था वो कौन लोग थे वो गरीब थे वो दलित थे वो पीड़ित थे वो आदिवासी थे वो माइनॉरिटी के लोग थे देश में ऐसे साठ करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास में बी अपनी चिकित्सा के खर्च को के, के लिए कोई किसी तरह का अम्ब्रेला कवरेज नहीं था देश के बारह करोड़ किसानों के पास में फसल बीमा का उचित मुआवजे का सिस्टम नहीं था खराबे के समय में कौन लोग थे वो गरीब थे किसान थे आदिवासी थे वो हमारे माइनॉरिटी के लोग थे अब जो माइनॉरिटी के दर्द की चिंता करने वाले राहुल गांधी जी हैं अपने पूर्वजों से अपने पुरखों से अपनी पार्टी के पुरोधाओं से पूछिए कि 55 साल तक देश पे सरकार चलाते हुए उन्होंने उस सर्वहारा वर्ग की चिंता क्यों नहीं की थी आप कहते हैं कि गरीबों और किसानों की बेहतरी की चिंता कांग्रेस ने नहीं की राहुल गांधी आप सवाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो एम है आपने एक समीक्षा कमेटी बनाई दो साल उसके पूरे हो गए हैं किसानों के आंदोलन को हवा दी जा रही है दिल्ली कूच कराने की तैयारी चल रही है वो कहते किसानों के हक में सरकार फैसला नहीं कर रही है देखिए सौभाग्य से जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हो मैं इसका उत्तर एक किसान के नाते भी दे सकता हूँ क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष रूप से हल चलाने का अनुभव है देश में भी और दुनिया के अन्य देशों में भी दुनिया के अन्य कॉन्टिनेंट्स में भी मैं इसका उत्तर किसानों की संस्थाओं और ऑर्गेनाइजेशंस और के साथ में जुड़ा होने का एक प्रतिनिधि होने के नाते भी दे सकता हूँ मैं जब आपको इसका उत्तर दे रहा हूं तो भारत सरकार के माननीय मोदी जी के पहले स्पेल में कृषि राज्य मंत्री के नाते काम करने के अनुभव के आधार पर भी दे रहा हूं भारत फूड डेफिसिट नेशन था खाद्यान्न की कमी वाला देश हम सबको जानकारी है साठ के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को देश की जनता से आह्वान करना पड़ा था कि सप्ताह में एक दिन उपवास करना चाहिए ताकि लोगों को भोजन मिल सके हमारे हुक्मरान मांग करके दूसरे देशों से मैक्सिको से ब्राज़ील से और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से जो है वो गेहूँ और खाद्यान्न ले करके आते थे देश के कृषि वैज्ञानिकों का अभिनंदन होना चाहिए देश के किसानों का अभिनंदन होना चाहिए कि उन्होंने भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाया अपितु भारत को फूड सरप्लस नेशन बनाया लेकिन जब ये पैराडिम शिफ्ट हो रहा था उस समय में समय की मांग और आवश्यकता थी कि देश के कृषि क्षेत्र को देखने का नजरिया बदला जाए लेकिन दुर्भाग्य से उस समय पॉलिसी से ग्रसित सरकार थी राहुल गांधी जी के पार्टी की सरकार थी रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकारें थी इसलिए वो निर्णय नहीं कर पाए और वो निर्णय नहीं कर पाए उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ा मैंने किसान के को एमएसपी का दाम डेढ़ गुना मिलना चाहिए इसके आंदोलनों में शिरकत की आज देश के किसान को मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि लागत का डेढ़ गुना मूल्य सब क्रॉप्स में मिलता है न केवल लागत का डेढ़ गुना मूल्य घोषित किया जाता है क्योंकि मैं याद मैं आंकड़ों से ही बता सकता हूं समय की सीमित नहीं बोलूंगा कि पहले केवल जब हम आंदोलन करते थे दबाव खड़ा करते थे तब सरकार पचास बढ़ाती थी और जितना बढ़ाती थी उतना प्रिक्योरमेंट कम कर देती थी अब डेढ़ गुना भाव बिना मांगे हुए ऑटोमेटिक सिस्टम से बढ़ता भी है हर फसल चक्र से पहले और प्रोक्योरमेंट भी उसी तद अनुरूप बढ़ता, बढ़ता भी है फिर ये आग क्यों है किसानों का ये जो सुखबुगाहट है वो क्यों है देश में कितने लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो है सहयोग राशि मिलती है छह रुपए लगभग लगभग 11 से 12 करोड़ को देश के हर कोने में कितने प्रदेशों में कितनी जगह पर किसान इस तरह से आंदोलनरत हैं एक बार इस पर थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर सोच करके देखिए उत्तर अवश्य मिल जाएंगे पॉलिटिक्स से उत्तर अवश्य मिल जाएंगे आप चूंकि खेती बाड़ी किसानी को बहुत अच्छा समझते हैं आपकी समझ भी उस पर बहुत अच्छी है आप कहते हैं कि सरप्लस प्रोड्यूस हमारे यहाँ हुआ हम ऐसा देश बनाए प्याज की पैदावार बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में चूंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं और आपने एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी है वहाँ के किसानों में एक नाराजगी बढ़ रही है इसका कोई कारण देखिए प्याज बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है शेल्फ लाइफ बहुत कम है एक साथ प्रोडक्शन होता है जब प्रोडक्शन होता है तब देश भर में उसकी प्राइसेस बहुत बुरी तरह से गिरती हैं जिस दिन प्राइसेस गिरना शुरू होती है हमको इंपोर्ट भी करना होता है हमको इनिशिएटिव्स भी लेने होते हैं सरकार टॉप्स की स्कीम चलाती है उसके तहत 25 परसेंट प्रोडक्शन को सकम करती है खरीदती भी है भारत सरकार के सहयोग से करीती है राज्य सरकारों के प्रपोजल के आधार पर करीती है ताकि मार्केट में से 25 परसेंट क्वान्टिटी सक हो जाए तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो हैं वो इन्फ्लेटों में वापस बढ़े किसान को लाभकारी मूल्य मिल सके जी लेकिन जैसे ही जो है फसल चक्र बीतता है क्योंकि शेल्फ लाइफ कम है जी इसलिए मार्केट में जैसे ही क्राइसिस आना शुरू होता है भाव बढ़ते हैं तब उसकी उल्टी प्रक्रियाओं को सरकार को लेना पड़ता है मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक जो है इरेडिएशन टेक्नोलॉजी डेवलप की थी कुछ वर्षों पहले <laughs> पूरी दुनिया में आज हम सबके घर में जो फ्रूट आता है आज दुनिया भर का जो फल हमारे देश देश में आता है हमारे घर में आता है चाहे आप देखते होंगे जो है न्यूजीलैंड से कीवी आपके घर में आ रही है या प्लम आपके घर में आ रहा है वो एक, -एक महीने तक आप फ्रिज में रख दीजिए ख़राब नहीं होता क्योंकि वो इरेडिएटेड है हमारे यहाँ से भी आम जाता है अमेरिका में यूरोप में जो एक्सपोर्ट होकर के जाता है वो भी इरेडिएट होकर के जाता है ताकि वो और सिंपल सा प्रोसेस है आप रेडिएशन से गुजार देंगे बैक्टीरिया अंदर जो है वो गुड बैक्टीरिया है पर वो खत्म हो जाएगा जैसे गुड बैक्टीरिया खत्म होगा ऑटोमेटिकली राइपनिंग ऑफ प्रोसेस खत्म रुक जाएगा सेम टेकन फॉर द अनियन फार्मरियन पर काम करना पड़ेगा सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एफ का निर्माण किया और ये एक पॉलिसी चेंज किया कि इरेडिएशन क्योंकि रेडिएशन को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां हैं बहुत सारी सावधानियां रखने की आवश्यकता है इसलिए इरेडिएशन की यह व्यवस्था एफ में भी को भी मिले कोटिव को भी मिले इस तरह की व्यवस्था करके आने वाले समय में प्याज की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के ऊपर काम कर रही है सरकार और मैं आपको कह रहा हूं कि जिस दिन ये कैपेसिटी बिल्डिंग आने वाले कुछ समय में हो जाएगी उस दिन इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा जो समस्या इस देश में पिछले सत्तर साल से अटकी हुई है प्याज के किसानों के लिए आपने बेहतर बात कही मुझे लगता है कि आपको सुना जाना चाहिए वहाँ राहुल गांधी चूँकि आपने कहा कि जातिगत जनगणना का मामला बहुत पहले से उठा रहे हैं और ये मामला एन डी के कई दलों का है वैसे ही अग्निवीर का है बार बार वो संसद में भी आ रहा है संसद के बाहर भी आ रहा है कि अग्निवीर एक ऐसी योजना है अगर मेरी सरकार आई तो हम उसको रद्द कर देंगे और आप बार बार उसको डिफेंड करने की कोशिश में हैं दरअसल विपक्ष समाज के भीतर एक अलग निरेटिव तैयार कर रहा है सरकार उस निटिव को काट पाएगी देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये कांग्रेस पर फितरत से जुड़ा हुआ है? अग्निवीर योजना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी की सरकार लेकर के आई है बहुत व्यापक अध्ययन के बाद दुनिया भर के आ, जो है देशों की सेनाओं के की परिस्थिति स्थिति का अध्ययन करने के बाद में बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी की जिसके रिकमेंडेशन के बाद में फौज की संस्तुति के बाद में ये योजना लेकर के आई है लेकिन जब यूपीए की खुद की सरकार थी वो गैस सिलेंडर वाला डिसीजन कैबिनेट ने किया था वो तो उसको भी फाड़ते हुए नजर आए थे जो अपनी कैबिनेट और संवैधानिक संस्थाओं का इस तरह से अपमान कर सकते हैं उनसे इससे हल्की बात की इससे ज़्यादा हल्की बात की या इससे ज़्यादा बड़ी बात की दोनों तरह से उम्मीद नहीं करनी चाहिए उनसे इतना ही उम्मीद आप कर सकते हैं आज चक्रव्यूह का भी मामला उठा उन्होंने कहा कि जैसे महाभारत में चक्रव्यूह का इस्तेमाल किया गया अभिमनु को मारने के लिए अब पद्मयूह है यानी कमल को पलट कर पद्मयू है और यहाँ भी छह लोग लगे हुए हैं भारत अभिमन्यु है इस बयान को आप कैसे देखते हैं देखिए पद्मयोग है निश्चित रूप से और कमल कीचड़ में खुलता है और जिस तरह की स्थिति परिस्थिति देश की कांग्रेस ने यूपीए के शासन तक करके छोड़ी थी जिस तरह से भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ था देश के हितों के साथ समझौता हुआ था देश के संसाधनों की बंदर बांट हुई थी जी। और जिस तरह की कीचड़नुमा परिस्थिति देश में पैदा करके छोड़ी थी उसमें कमल खिला था अब वो एक खिला है खिलते जा रहा है खिलते जा रहा है और खिलता रहेगा ये एंटी पेपर लीक का मामला भी वो ना बार बार उठा रहा है आप जब वो पेपर लीक की बात कर रहे थे तब मैंने खड़े होकर के उनसे प्रश्न पूछा था निरुत्तर हो गए थे पार्लियामेंट में और कहने लगे थे कि मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं मैंने उनसे कहा था राजस्थान में छह महीने पहले तक उनकी सरकार थी उन्नीस बार पेपर लीक हुआ दर्जनों युवाओं ने आत्महत्याएं की एक बार पहले अपने गिरेवार में झांक करके पहले उसका जवाब तो दे देते यहां संसद में खड़े होकर के पेपर लीक की बात करते हैं राजस्थान में जाते हैं तो मुंह पर ताला लग जाता है ये दोहरे चरित्र वाले लोगों को देश जानता भी है पहचानता भी है और चुनाव आने पर उनके जो है उस उसकी हिसाब किताब बराबर भी करता है मेरा दूसरा सवाल है मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने कानून बनाया और तीन से पाँच साल तक की सजा है दस लाख रुपये तक का जुर्माना है इसके पहले पेपर लीक का मामला जो था वो धोखाधड़ी था फोर ट्वेंटी वन ट्वेंटी बी के तहत आता था उसमें भी सजा सात साल की थी जुर्माना भी था कहने वाले कहते हैं कि दरअसल आपने कुछ नहीं किया नई बोतल में पुरानी शराब डाल दी अभी तो कानून बदला है उसके प्रभाव परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और जिस दिन प्रभाव और परिणाम मिलेंगे उस दिन अपने आप ही जो है वो इन साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं रहेगी अपने आप इस आर्ग्यूमेंट इस डिबेट की भी आवश्यकता नहीं रहेगी ये समाप्त हो जाएगी एक इशू कश्मीर है कश्मीर में सरकार चुनाव की तैयारी कर रही है चुनावी बंदोबस्त की आहट है और कश्मीर जिस रास्ते पर चल रहा था तरक्की के रास्ते पर अमन के रास्ते पर उसमें अब थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हुई हैं आतंकवादी मामले बढ़े हैं कश्मीर जैसे मामले को सरकार कैसे देख रही है और उसको कितनी संजीदगी से ले रही है देखिए तो अत्यंत विनम्रता के साथ में मैं आपके प्रश्न में संशोधन करना चाहूंगा। आपने कहा कश्मीर एक इश्यू है कश्मीर इश्यू नहीं है नहीं इसके ये जिगर का टुकड़ा है भारत का अभिन्न अंग है <laughs> पहली बात दूसरी बात जो कश्मीर में परिस्थितियां हैं उतार चढ़ाव साहब कई दशकों का नासूर है भरते भरते भर जाएगा आखिरी कहीं जो है जो ऊपर की खरोंच के जो ये पे थोड़े बहुत जो दाग निकल रहे हैं थोड़े दिन इंतजार करिए कश्मीर में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है और कश्मीरियों की मानसिकता में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है कश्मीर ने जिस तरह से विकास का रास्ता देखा और कश्मीर ने जिस तरह से पहली बार आज़ादी पाई है तीन सौ की गुलामी से आप उसका प्रभाव देखते जाइए कश्मीर भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा मैं टूरिज्म मंत्री होने के नाते आपसे कह रहा हूँ चूँकि पर्यटन के लिहाज से कश्मीर क्योंकि बात आपने बहुत अच्छी मतलब अच्छे मोड़ पर ला करके कर की है कश्मीर में चीज़ें बदली हैं सिनेमा घर खुले हैं लाल चौक पर देर रात तक वहाँ जलसा हो जाता है तिरंगों की पात दिखती है बतौर टूरिज़म मिनिस्टर कश्मीर में ऐसा क्या क्या हुआ है जो नए सिरे से चल रहा है देखिए सबसे बड़ा विषय अमन और शांति है लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है देश भर के दुनिया भर के लोगों का वो जो है आत्मविश्वास वापस लौटा है कि कश्मीर सुरक्षित है और कश्मीरियों ने भी वापस एक लंबे लंबे अंतराल के बाद में कश्मीरियों ने भी वापस वो जो है टूरिस्ट फुटफॉल देखा है उनकी इकोनॉमी वापस बदलती हुई उनको दिखाई दे रही है इसलिए जो दोनों तरफ से ये ये परिवर्तन आया है ये परिवर्तन कश्मीर को बहुत बहुत आगे तक लेकर के जाने वाला है मैंने इसलिए कहा था कि पिछले साल दो करोड़ के आसपास सैलानी कश्मीर गए थे अपने आप में रिकॉर्ड है मैं बिहार से आता हूं। इस बार के बजट में आपने बोधगया के लिए भी अच्छा खासा बजट लिए लोकेशन है और उसमें विश्वपद मंदिर और महाबोधि मंदिर काशी कॉरिडोर के तरह ही विकसित किए जाएंगे इन दोनों को तो लेकर के क्या योजना है कैस कैसा होगा ये देखिए मैं इसका उत्तर दूं उससे पहले कश्मीर से जुड़ी हुई एक बात और कह दूं आपने कहा दो करोड़ लोग गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई शुरुआत की कि जो है कश्मीर में लेवेंडर की खेती होनी चाहिए और डोडा जिले में जिस डोडा जिले की पहचान मुझे लगता है देश का सामान्य आदमी अगर है तो वो उसको सीधा कोरिलेट आतंकवाद से करता होगा उस डोडा जिले में लेवेंडर की खेती को देखने और उसका एक्सपीरियंस करने के लिए जित जो टूरिस्ट गए हैं वो संख्या दो लाख से ज्यादा है उसके खेतों में एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस करने के लिए जो लोग गए वो दो लाख से ज्यादा है अब उससे आगे बढ़कर के विष्णुपाद का मंदिर की आपने चर्चा की आपने महाभोर मंदिर की चर्चा की देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब काशी कॉरिडोर बनाया गया जब उज्जैन का महाकाल लोक बनाया गया और इस तरह के अन्य मंदिरों पर भी इस तरह से जो है पूरे कॉरिडोर्स बनाए गए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द दे डेस्टिनेशन किया गया उसका प्रभाव आप देखिए आज उज्जैन में महाकाल लोक में जाने वाले टूरिस्ट की एवरेज संख्या जो है वो एक वीक की संख्या एक मिलियन को क्रॉस कर गई ठीक ऐसी ही परिस्थिति काशी में है इस अनुभव के आधार पर हम देश के अन्य तीर्थ स्थलों का भी इस तरह से विकास करें और उसको प्राथमिकता क्यों प्राथमिकता इसलिए कि वो केवल भारत के लोगों के लिए एक अनुभव के लिए डेवलपमेंट नहीं है ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट दुनिया में भारत से जो है वो निकल कर के अड़तालीस देशों तक जो बुद्धिज्म गया उस बुद्धिज्म का एक्सपीरियंस लेने के लिए भारत के गया में लोग आए इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है इसलिए इस इन दोनों मंदिरों का होलिस्टिक डेवलपमेंट और डेस्टिनेशन डेवलपमेंट हो, हो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट में इस बात की घोषणा की गई लेकिन ये केवल एक घोषणा नहीं है तो हमने एक कंपटीशन प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से प्रारंभ किया है मार्च में घोषित किया था लेकिन चुनाव की आचार था के आचार संहिता के कारण चलते आगे नहीं बढ़ा पाए अभी उसकी डेट एक्सटेंड करके उस पर हमने काम करना प्रारंभ किया है हमने देश का आह्वान किया है कि देश भर के लोग अपने अपने प्रदेश में किस डेस्टिनेशन को यू लाइक द मोस्ट जिसका सरकार होलिस्टिक डेवलपमेंट करे उसके लिए एक कॉम्पिटिशन शुरू किया है और उस प्रतियोगिता में जो बेस्ट ऑप डेस्टिनेशन आएंगे उन सारे डेस्टिनेशन का इसी तरह से होलिस्टिकली डेवलपमेंट करेंगे क्योंकि यह आवश्यकता है आज जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के चलते हुए हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई है जिस तरह से हमारे सामान्य आदमी की डिस्पेंसिबल इनकम बनी है जिस तरह से हमारा एस्पायरिंग क्लास के नंबर्स में वृद्धि हुई है और वो घर से निकल करके आज कुछ जीने के लिए ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा रहा है हमारे एस्टेब्लिश टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे कंजेशन हो रहा है उसको डिकन्जेस्ट करने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम इस तरह के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट डेस्टिनेशंस पर करें नए डेस्टिनेशंस को खड़ा करें और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस दृष्टिकोण से इस रास्ते पर चल करके काम कर रहे हैं अभी चूंकि ये साल तीन राज्यों में चुनाव का है तीनों बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र झारखंड और हरियाणा और बीजेपी तीनों जगहों पर लगी तीनों जगहों पर उसके सामने चुनौतियाँ हैं हरियाणा में जैसे ही महाराष्ट्र में कमोबेश वैसी है चूंकि चुनावी रणनीति पार्टी की आप देखते समझते भी हैं और हरियाणा और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों की बात करूँ झारखंड तो अलग है इन दोनों स्टेट में आपके लिहाज से बीजेपी अपने बूते खड़ी आपको दिखती है देखिए मुझे आपके प्रश्न से सात महीने पहले की परिस्थिति याद आती है इसी हॉल में इसी जगह पर एक टीवी का ऐसा ही कार्यक्रम था और उस समय राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इनमें चुनाव होने वाले थे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी दोनों जगह बाकी कांग्रेस की सरकार थी और मुझसे पहले उस दिन संयोग से जो व्यक्ति इस जगह पर जहां मैं बैठा हूं वहां बैठे थे वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे और उनके बाद में उन्होंने जो बातचीत की थी उसकी आभा की छाया में मुझे प्रश्न किया गया था कि तीन राज्यों में चुनाव हैं आप उस राज्य से आते हैं और वो अभी जो है इतनी बड़ी बात उन्होंने की थी अपनी योजनाओं की बात की थी अपनी सफलताओं की कथा लिखी सुनाई थी यहाँ और मुझे पूछा गया था कि आप क्या चाह सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है मैंने कहा था कि तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ब, बनेगी और बनी थी आज फिर कह रहा हूँ आपके यहाँ लिख करके रखिए इन तीनों प्रदेशों में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि बार बार मेरा जो स्टेशन है वो है भारत दो नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री सौ दिनों का रोड मैप कहते हैं कि लेकर चलो सौ दिनों के भीतर आपको कुछ ना कुछ करके देना है इस एक साल के भीतर ऐसे कौन से पांच बड़े काम हो सकते हैं चार बड़े काम हो सकते हैं जिनको आप रेखांकित कर सकते हैं कि ये होंगे और ये सरकार की जो योजना है जो मकसद है उस तरफ ले जाएंगे देखिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार कर, कर रही है ये इट इज नोन फॉर द कंटिन्यूटी जैसा मैंने कहा कि जनसंघ के जमाने से हमारा एक लक्ष्य तय है, मार्ग तय है। आगे और हम जो पीछे रह गए उनका एम्पावरमेंट करें उनको देश के लिए असट साइड में खड़ा करें देश के निर्माण में उनको उपयोगी बनाएं, इस लक्ष्य इस रास्ते से लेकर के हम निरंतर काम कर रहे हैं जहां तक दो की दिशा में आगे बढ़ने का विषय जिस पर लेकर के आपने कहा कि एक साल के कालखंड में क्या होगा मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं जब चुनाव में देश लगभग प्रवेश कर गया था औपचारिक तिथियों की घोषणा बाकी थी भारतीय जनता पार्टी ने भी और विपक्षी दलों ने अपने बहुत सारे जगह पर कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए थे भारतीय जनता पार्टी लगभग दो सौ कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर चुकी थी हम सब लोगों को प्रत्याशी के रूप में नामित कर दिया था उस समय में दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में एक मीटिंग हुई थी सामान्यतया चुनाव से छह महीने पहले चुनाव सरकार चुनाव मोड में चले जाती है चुनाव की दृष्टि से ही सोचती है और ब्यूरोक्रेसी भी सामान्यतया छ महीने में सुर राग बदल करके अलग तरह से काम करने लग जाते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिन बैठक हो रही थी तब हम चुनाव की चर्चा नहीं कर रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सारे सेक्रेटरीज मिलकर के दो तक भारत को पहुंचाने के रोडमैप पर डिस्कशन कर रहे थे ये सरकार का कॉन्फिडेंस था और उसी मार्ग पर उसी तय किए गए कार्यक्रमों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे देश विकसित हो हम इसके लिए पूर्ण समर्पित भाव से जुटेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह जो आधारशिला रखने का पांच साल है आधारशिला रख करके देश को विकसित देश बनाने की दिशा में कई कई कदम आगे बढ़ेंगे गजन शावा जी आप आए आपने समय निकाला और आप चर्चा में हिस्सा लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद बहुत सारा धन्यवाद अगेन एक्सटेंड आवर थैंक